अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से यूजिंग साइकिट लर्न सबसे सिंपल मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड किया जा सकता है फॉर क्लासिफिकेशन टास्क। जैसे कि आपने लास्ट लेक्चर में देखा, आयरिस डेटा सेट हमारे पास बिल्ट इन डेटा सेट है, हमने सबसे पहले उसको इम्पोर्ट कर लिया, देन उसके बाद लोड अंडरस्कोर आयरिस करके कंप्लीट इंफॉर्मेशन उस आयरिस डेटा सेट की हमारे पास यहाँ पे आ गई। आयरिस डेटा सेट की जो टाइप है वो बंच टाइप है जो कि डिक्शनरी है। देन हमने आयरिस अंडरस्कोर डेटा सेट में डेटा पास किया और मेरे पास एक्स में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज आ गई। सिमिलरली आयरिस अंडरस्कोर डेटा सेट में मैंने टारगेट पास किया तो हमारे पास यहाँ पे वाई में तमाम एग्जाम्पल पॉइंट्स के लेबल्स आ गए, अगेन वो भी न्यूमेरिक फॉर्म में के 0 0 0 एंड सो ऑन, सिमिलरली 1 1 1 एंड सो ऑन, फिर इसी तरीके से 2 2 2 एंड सो ऑन। नेक्स्ट जब आप एक्स शेप डॉट शेप करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्पल पॉइंट्स 115 और टोटल जो फीचर्स हैं वो आपके पास 4 हैं। सिमिलरली जब आप वाई डॉट शेप करेंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एग्जांपल पॉइंट्स क्योंकि 150 थे तो हर 50 के हर एक के अगेंस्ट उसका लेबल आ जाएगा आंसर कि वो 0 है, 1 है या 2 है और हमारे पास उसकी शेप आ जाएगी। सो यहाँ तक हमारे पास डेटा आ चुका है। अब मशीन लर्निंग मॉडल यूजिंग साइकिट लर्न बिल्ड करना बहुत ही इजी है। सबसे पहले जो भी आप क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं आपने उसको सबसे पहले इंपोर्ट कर लेना। इस एग्जांपल में मैं के नियरेस्ट नेबर क्लासिफायर को यूज करते हुए क्लासिफिकेशन करना चाह रहा हूँ तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर लिया फ्रॉम sklearn.neighbors इंपोर्ट के नेबर क्लासिफायर। नेक्स्ट उसके बाद इस क्लासिफायर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया तो KNN में मेरे पास इस क्लासिफायर का ऑब्जेक्ट आ गया। और इसके बाद जब हमने KNN.fit किया और उसमें पास किया x और y, क्योंकि ये सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है तो इनको ट्रेनिंग के लिए इनपुट भी चाहिए और उनके एक्चुअल लेबल्स भी चाहिए, इनपुट भी चाहिए और उनके हमारे उनके लेबल्स भी होने चाहिए फॉर ट्रेनिंग पर्पस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इनपुट भी और लेबल भी है तो हमने फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी तमाम का तमाम डेटा और उस इनपुट डेटा और उसके एक्चुअल लेबल्स मॉडल को पास कर लिए ताकि वो उस पर अपनी ट्रेनिंग परफॉर्म कर ले। जब हमने KNN.fit किया तो इस स्टेटमेंट के बाद हमारे पास ट्रेंड मॉडल आ जाएगा। इस स्टेटमेंट के बाद हमारे पास ट्रेंड मॉडल आ जाएगा। इस ट्रेंड मॉडल को यूज करते हुए अब हम प्रेडिक्शन करना चाहें, कहीं पे डिप्लॉय करना चाहें, वो हम इजीली कर सकते हैं। सो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। हमारे पास ये डेटा सेट आ गया, इसको हमने यहाँ पे इसकी शेप चेक की तो वही 150x4 है, 150x0 है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास इसको इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट करने के बाद इसका ऑब्जेक्ट इनिशिएट कर लिया, देन KNN.fit को कॉल किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन बता रहा है कि जो हमारे पास मॉडल ट्रेन हुआ है इस डेटा पे एक्स और वाई पे उसकी जो पैरामीटर्स या हाइपर पैरामीटर्स हैं वो ये हैं। एल्गोरिदम ये सिलेक्ट हुआ, लीव साइज 30 था, जो मेट्रिक यूज हुआ वो ये है, फिर एन जॉब इज इक्वल टू नन है। जैसा कि आपको पता है कि KNN में जो के नियरेस्ट नेबर है वो के की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा था तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो है n_neighbor=5, मींस के नियरेस्ट
एक नियरेस्ट हम यहाँ पे 5 कंसिडर कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास p इज इक्वल टू 2 है, वेट्स जो हैं वो यूनिफॉर्म है। ये डिफरेंट फीचर्स हैं या डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिनकी बेस पे, जिन वैल्यूज के साथ ये मॉडल ट्रेन हुआ। अब उसके बाद क्योंकि हमें पता है कि जो फीचर हमारे हैं जिनको हमें प्रेडिक्ट करना है उसकी जो वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं, फीचर नेम्स वो 3 हैं, सेपल लेंथ पेटल विड्थ। तो और ये जो हमारे पास वायर आंसर्स आ रहे हैं, वायर की जो इंफॉर्मेशन थी 0001111, ये उसके करस्पॉन्डिंगली वही फीचर्स, ये जो फीचर्स हैं ये हमारे पास हैं, इन फीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, ये 4 फीचर्स हम उसको यूज कर रहे हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस स्टेज तक हमारे पास मॉडल ट्रेन हो चुका है इन सेटिंग्स के साथ, और हमें पता है कि जो हमारे फीचर्स थे वो थे सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, ये 4 फीचर्स थे। अब हम इस मॉडल पे प्रेडिक्शन करना चाह रहे हैं, इट मीन्स के जो मेरा इनपुट डेटा है उसकी भी जो डायमेंशंस हैं वो कुछ इसी तरीके से होनी चाहिए कि इसका जो पहला फीचर, पहली वाली वैल्यू है वो सेपल लेंथ को पॉइंट कर रही हो, दूसरी वाली वैल्यू सेपल विड्थ को पॉइंट कर रही हो, तीसरी वाली वैल्यू अगेन पेटल लेंथ को पॉइंट कर रही हो, और ये वाली वैल्यू पेटल विड्थ को। तो आप इसको इस तरीके से रिज्यूम कीजिए कि आपका मॉडल ट्रेन हो गया, आपके पास एक न्यू या अनसीन फ्लावर आया और आपने उस फ्लावर में से उसकी सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की। नेक्स्ट अब आप चाहते हैं कि ना इन इंफॉर्मेशन की बेस पे इसको प्रेडिक्ट किया जाए कि इसकी टाइप क्या है, ये सिटोस है, वर्सिकलर है, वर्जीनिका है। तो आपने इस एक्स इनपुट को knn.predict, सो जब आप भी आपने प्रेडिक्शन करनी है, knn.fit से मॉडल ट्रेन हो रहा है, knn.predict से वो प्रेडिक्शन कर रहा है, आपने इसको पास किया, आपके पास यहाँ पे प्रेडिक्शन आ गई। कीप इन माइंड कि यहाँ पे जो प्रेडिक्शन आएगी ना वो आएगी 0 या 1 या फिर 2, वहां पे एक्चुअल ये आंसर नहीं आएगा कि ये सिटोसा है, वेसिकुलर है, वर्जीनिका है। तो यहाँ पे आपके पास जब आप इसको आउटपुट करेंगे तो 0 आ रहा होगा या 1 या 2, और देन अब आपने देखना कि अच्छा एक्चुअली उसका नाम क्या है। तो टारगेट नेम्स में हमारे पास तमाम के तमाम नेम्स पड़े हुए हैं, उसका जिस भी इंडेक्स आ रहा है वो वैल्यू वहां पे पास की, तो हमारे पास उसकी एक्चुअल नाम भी आ गया। सो हमारे पास ये इनपुट थी जिसकी डायमेंशन है 1/4, इसको जब हमने इसमें पास किया तो हमें पता चला कि इसकी जो क्लास है वो 0 है और 0 सिटोसा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आप यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि जो 0 इंडेक्स है वो सिटोसा का है, 1 इंडेक्स वर्सिकलर का है, 2 इंडेक्स। तो ये जो न्यू हमारे पास फ्लावर आया है इसको जब हमने प्रेडिक्ट किया तो इसकी जो टाइप आई है वो है सिटोसा। होपफुली आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, बहुत ही सिंपल है। उसमें हमने क्या काम किया है कि सबसे पहले आपके पास जो डेटा आया, कंप्लीट डेटा को एक्स और वाई में हमने गेट कर लिया, जो भी इस क्लासीफायर अप्लाई करना था को इंपोर्ट कर लिया, देन उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, फिट को कॉल किया तो हमारे पास मॉडल ट्रेन हो गया, और देन उसके बाद knn.predict को कॉल किया तो हमारे पास जो भी इनपुट पास हुई थी उसकी प्रेडिक्शन आ गई। ये भी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ये प्रेडिक्शन ठीक थी या गलत थी। तो क्योंकि हमारे पास प्रेडिक्शन में जो वैल्यूज पड़ी हैं वो भी न्यूमेरिक हैं 0 और 1,
और हम इंटरेस्टेड थे कि हमें एक्चुअल पता चले इसकी टाइप क्या है, तो हमने इसमें उसको मैप करके उसकी एक्चुअल इंफॉर्मेशन ले ली कि अच्छा ये जो फ्लावर आ रहा है ये सिट्रोसा आ रहा है। सो होपफुली आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।